ये वो चैप्टर है जो आपको अकाउंट्स में भी काम आएगा, कॉस्ट में भी काम आएगा और एफएम में भी काम आएगा, और जब रिजल्ट निकलेगा तो उसमें भी काम आएगा। ये देखने के लिए हम कितने मार्क्स से पास हो गए या कितने मार्क्स से रह गए, बगल वाला पड़ोसी हमसे कितना आगे निकल गया और हम कितने परसेंटेज से उससे पीछे हो गए, सारे रेशियोज़ और कैलकुलेशन उस समय सब पता चलता है। पिछले साल हमारा क्या हिसाब किताब था और इस साल कितना हिसाब किताब है, अगली बार कितनी मेहनत करें कि पास हो जाए। और जो पास हो जाते हैं वो ये देखते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं, बेटा 4 घंटा पढ़ते हो, 2 घंटा और बढ़ाओ, रेशियो बताएंगे, 50% मेहनत और करो। ये इस रेशियो का कमाल है जो केवल आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी हर जगह काम आता है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो नॉन बिजनेस की बात हो। क्लियर? रेशियो, अगर मैंने कहा एक एग्जांपल के तौर पे कि मिस्टर एक्स कमाता है 100 रुपए और मिस्टर वाई कमाता है 50 रुपए, हमें ये बताओ व्हाट आर द एवरेज अर्निंग्स ऑफ दीज टू पर्संस, एवरेज अर्निंग्स। तो सर आप कहेंगे मिस्टर एक्स की कमाई और ये मिस्टर वाई की कमाई डिवाइडेड बाई 2, दैट विल कम्स टू ₹75 ईच। अगर मैंने कहा एक्स ने कमाया 100 रुपए, वाई ने कमाया 50 रुपए और जेड ने कमाया 120 रुपए, हम हमें बताओ एवरेज अर्निंग कितनी होगी, कोई बोलेगा नहीं। जब मैं बोलूं एवरेज अर्निंग कितनी होगी तो आप कहोगे सर 100 + 50 + 120, एवरेज निकालना है ना, एवरेज का मतलब डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा एवरेज का मतलब डिवाइडेड बाई 2 है। एवरेज का मतलब क्या होता है? अच्छा, तुम लोग ये कहना चाहते हो जितने न्यूमरेटर्स होते हैं उनके डिनोमिनेटर्स भी होने चाहिए, अगर अंश और हर की बात की जाए तो। अगर एक न्यूमरेटर है तो उसका एक डिनोमिनेटर, एक न्यूमरेटर है तो उसका एक डिनोमिनेटर, अगर एक न्यूमरेटर है तो एक डिनोमिनेटर। इज इट क्लियर? इसको हम कहते हैं रेशियो। क्या कहते हैं? कितना आ गया? पक्की बात है ना? अब समझ में आया? ये फायदा है रेशियो का। आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते सर एवरेज का मतलब आज तक तो हम लोग को बताया गया था डिवाइडेड बाई 2। चलो एक और किस्सा। लास्ट टाइम आपने जो मिस्टर एक्स ने जो मार्क्स गेन किए थे आउट ऑफ 400 उसने गेन किए थे 150। पास है? अच्छा, लेकिन वही पप्पू पास हो गया कब? जब अगली बार, अगली मतलब नेक्स्ट टाइम उसने 200 मार्क्स पाए। बताओ कितने परसेंटेज की ग्रोथ हुई, बताओ कितने परसेंटेज की मार्क्स में ग्रोथ हुई। क्या हो गया? 12.5। पक्का ना? मैंने वर्ड क्या यूज किया? कितने परसेंटेज की मार्क्स में ग्रोथ हुई। तो बेटा मार्क्स में ग्रोथ हुई है 50, कितने पर? 150 पर। 33.33% आ गया। क्या बात कर रहे हो? मैंने जो वर्ड यूज किया वो तो समझो। मैंने कहा मार्क्स में कितने परसेंटेज की ग्रोथ हुई। अर्लियर आई गॉट 150, नाउ आई एम गेटिंग 200, देर इज ए स्लाइट ग्रोथ 33.33% इन द मार्क्स। क्या हम ये नहीं बोल सकते कि 200 में 50 बढ़ गया तो 100 में कितना, ये भी तो बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते? ये नहीं बोल सकते 200 में 25% बढ़ा है तो 150 में 33%? दिमाग से निकाल दो, ये गलत है। यहां तो आप पहुंचे हैं ना, दिस इज योर रिजल्ट। किसके मुकाबले? पिछली बार के मुकाबले। 150 पर हमने कितना ग्रोथ दिया? 50। 100 पर कितना ग्रोथ दिया? 33। दैट्स इट। इज इट क्लियर? हाँ या ना? आगे चल सकते हैं। ये रेशियो का कमाल है।
हम इनको इंडिकेटर्स की तरह यूज करते हैं। किसकी तरह यूज करते हैं? इंडिकेटर्स की तरह यूज करते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए, कितने पेस और कितनी स्पीड के साथ भागना है और क्या ऑब्जेक्ट्स हम अचीव कर सकते हैं। दैट्स इट। देखा जाए केवल ये इंट्रा फर्म कंपैरिजन के लिए यूज नहीं होता। रेशियो एनालिसिस केवल इंट्रा फर्म एनालिसिस के लिए यूज नहीं होता, ये हमारा इंटर फर्म एनालिसिस या जिसको हम कंपैरिजन कहते हैं उसके लिए भी यूज होता है। ये रेशियो एनालिसिस हमारा इंट्रा फर्म पर्पस के लिए नहीं होता, इंटर फर्म एनालिसिस या कंपैरिजन के लिए भी होता है। दोनों में फर्क क्या है सर? इंट्रा फर्म, मेरी फर्म पिछले साल कितना प्रॉफिट कमा रही है, इस साल कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितने परसेंटेज की ग्रोथ हुई, अगले साल इतना अगर प्रॉफिट कमाना हो तो कितने परसेंटेज की ग्रोथ चाहिए, हाँ या ना? बजट बना सकते हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ द रेशियोज, आराम से बना सकते हो। पिछले साल कितनी सेल हुई, इस साल कितनी सेल कर दें कि हमारा प्रॉफिट उतना अचीव हो जाए, ये है रेशियो का इंटरा फर्म एनालिसिस या कंपैरिजन। इंटर फर्म एनालिसिस या कंपैरिजन होता है किसी दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन करना, किसी दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन करना, उस फर्म की स्पीड अच्छी या मेरे फर्म की स्पीड अच्छी। मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है, इसने पहले साल 400 में 100 नंबर हासिल किए और अगले साल ये 200 नंबर पा करके पास हो गया, ये 120 नंबर पाया और 205 नंबर इसने पाए, बताओ ग्रोथ किसकी अच्छी, बताओ ग्रोथ किसकी अच्छी। अब बात समझ में आई कि दोनों पास हैं लेकिन मेहनत किसने ज्यादा की, वो भी निकाल सकते हो। अच्छा अचीवमेंट किसका है वो भी निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? आगे आते हैं, अब मुद्दे की बात करते हैं। सर ये बताइए रेशियो एनालिसिस में आप रेशियो रेशियो कह रहे हैं, हम लोग कई रेशियो जानते हैं। पहला रेशियो हम लोग जानते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जानते हो क्या सर? हम लोग जानते हैं, हम मान लेंगे तुम लोग नहीं जानते, लेकिन चलो जो नाम सुन रखा है तुम लोगों ने हम उनकी बातें करते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो सर इसका भी नाम सुन रखा है सर, करेंट रेशियो का भी नाम सुन रखा है, और बीच बीच में जब आप पढ़ाते हैं ना तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी की भी बात करते हैं, या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, हाँ या ना? तो कुछ ऐसे रेशियोज हैं जिनका नाम आप लोगों ने सुन रखा है, तो आज हम सारे रेशियोज की बात करेंगे लाइन बाय लाइन। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों करोगे, रट्टा क्यों मारोगे? इजीली आप लोग फॉर्मूला तो खुद ड्रॉ करेंगे, अब इस लायक बनना है कि हम सामने वाले से खुद कहें जरा इसका रेशियो बताओ, कहेगा पहली बार सुन रहा तो बताओ ना, तो तुम लोग खुद फॉर्मूला जनरेट करो। अब समझ में आए, आविष्कारक बनोगे आज तुम लोग। असाइनमेंट अगर है तो आप लोग जरा खोल लें पेज नंबर 91, पेज नंबर 91। हम केवल आपको ये बताना चाहते हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ हम केवल बताना चाहते हैं कितने तरह के रेशियोज हैं, किस तरह की कैटेगरीज में बांटा गया है, अगर बुक है तो। पहला देखें तो लिक्विडिटी रेशियोज हैं जिसमें करंट रेशियो और क्विक रेशियो हैं। अगर हम बात करें किसकी, लिक्विडिटी की, जिसमें हम देखेंगे करंट रेशियो और क्विक रेशियो। अच्छा, क्विक रेशियो को हम एक और नाम देंगे, एसिड टेस्ट रेशियो। क्या नाम दोगे? ठीक है ना। दूसरा रेशियो इंडिकेटर्स दिया हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर्स, यानी प्रॉफिटेबल प्रॉफिट रेशियोस, प्रॉफिट मार्जिन, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, हाँ या ना? रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कौन से हैं? अरे बोलो, प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट्स, ये हमारे कौन से हैं?
प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या मेजरमेंट या इंडिकेटर्स, हम केवल नाम बताने की कोशिश कर रहे, अभी हम पढ़ा कुछ नहीं रहे। फाइनेंशियल लेवरेज या गियरिंग रेशियो, जिसमें पहला आता है इक्विटी रेशियो, एक डेट इक्विटी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटलाइजेशन रेशियो, डेट्स कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है ना। ये किस में आएंगे हमारे फाइनेंशियल लेवरेजेस में या रेशियो, लेवरेज रेशियो में, गियरिंग रेशियो में। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कैटेगरी बांटी गई, अदरवाइज हमको आगे से कोई लेना देना नहीं। सेल्स रेशियो, डेटर्स कलेक्शन रेशियो, तुम लोगों ने देखा है, नहीं देखा है तो फिर आज देख लेंगे। इन्वेंट्री कंट्रोल रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो या एसेट टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन, पी रेशियो, डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड पे आउट रेशियो। चलो बंद करते हैं इसको, केवल नाम जानना था कि कौन कौन से रेशियोज हम लोग को देखने हैं। सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे, किसकी, करंट रेशियोज की। अगर हम बात करें बैलेंस शीट और ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ये बैलेंस शीट भरवा सकते हो उनको कि क्या क्या आते हैं चीजें, हाँ बता सकते हो, हाँ बताओ। फिक्स्ड एसेट, हाँ कितने तेज हो तुम लोग, जल्दी जल्दी बता रहे हो। इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेबेंचर्स, ये हो जाएंगे 10%, ये हो जाएंगे 8%, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इधर जरा हम प्रीपेड लिख दें, ये हमारा बन गया क्या। ट्रेडिंग एंड पीएल की बात करो तो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, जीपी, इधर क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा इधर और बता सकते हो, हाँ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, छोड़ दो इधर की बात करो, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, हाँ डेप्रिसिएशन, चलो इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन और टूर्स एंड ट्रेवल्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मिसलेनियस। इधर आ जाएगा नीचे डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ या मिसलेनियस एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ ना, डिविडेंड प्रपोज्ड, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, नेट प्रॉफिट, इज इट क्लियर। ये एक ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बना। अब हमें इन्हीं ट्रेडिंग पीएल को, भाई रिजल्ट आता है तो कुछ ऐसा ही जैसे तुम लोग अपने रिजल्ट और मार्क्स देखते हो वैसे ही ये बैलेंस शीट हमारा ट्रेडिंग पीएल रिजल्ट है हमारे बिजनेस का, साल भर जो हमने मेहनत की है उसका ये क्या है, रिजल्ट है। अब हमें इसके रेशियोज निकालने, जैसे तुम लोग सब्जेक्ट वाइज निकाल रहे थे, अब हम लोग यहाँ टॉपिक वाइज देखेंगे। हम ये इंडिकेटर्स देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैलकुलेट होते हैं और क्या है। अगर हमसे कोई पूछे जीपी रेशियो बताओ, सर इसमें कौन सी बला है, ये तो हम लोग जानते हैं, हम लोग को अच्छी तरह मालूम है जीपी किस पर कैलकुलेट होता है, सर सेल्स पर ना,
तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, इतने सेल्स पर इतना प्रॉफिट है तो 100 पर कितना। तो सर इसी तरह नेट प्रॉफिट रेशियो भी निकल जाएगा, जिसको हम कहते हैं एनपी रेशियो। क्या फॉर्मूला यूज करते हो सर जी? एनपी अपॉन सेल्स इंटू 100। हाँ या ना? पक्की बात है ना? इसका मतलब ये हुआ कि हमने सेल को कितना रख लिया, इसका मतलब ये हुआ यहां होगा अमाउंट आपका 1,80,09,806, लेकिन आपने उसको कितना मान लिया फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज? 100 मान लिया। अब इसी 100 के बेस पर सारी चीजें आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसी 100 के बेसिस पर आप ये कहेंगे हमने 20 रुपए कमाया, इसका मतलब 80 खर्च कर दिया क्या? चलो 40 कमाया, इसका मतलब कितना खर्च कर दिया? यानी ये सब मिलकर और ये माइनस करने के बाद कितना बचेगा? 60। तभी तो ये 100 आएगा। तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग प्लस वेजेस मिलाकर कितना आएगा? 60। हम ये बोल सकते हैं अगर हमारा जीपी रेशियो 40% है तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 60% होगा। हाँ, सीधा हिसाब है। अगर जीपी रेशियो 40% है तो जो सामान बेचा गया है ना उसके ऊपर जो कॉस्ट आई है ना वो 60% है। हम दूसरे कंपनी का भी पिक करेंगे और देखेंगे उसका जीपी रेशियो कितना है, उसका जीपी रेशियो 35% है लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? 65%। तो हम खुशी मनाएंगे कि हमारा जीपी रेशियो ज़्यादा है और उसका जीपी रेशियो कम है, हमारी कॉस्ट कम आ रही है और उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। अब समझ में आई कौन से फैक्टर में कम है या ज़्यादा? अब मेरे बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ के आसपास और जिसके साथ हम कंपेरिजन कर रहे हैं उसका टर्नओवर 5 करोड़ के आसपास, तो ये कहीं से नहीं होगा कि हम एक एक कॉस्ट फैक्टर को मिलाएं, हम उनको रेशियोज में कन्वर्ट कर लें। किस में कन्वर्ट कर लें? 100 के टर्म्स में कन्वर्ट कर लें, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। उसका भी 100 सेल, मेरा भी 100 सेल, उसके 100 पर 40 आए जीपी, हमारे 100 उसके 35 आए, मेरे 40 आए। अब बात समझ में आए? तो कहने का मतलब हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। पिछले साल मेरा जीपी रेशियो 38% था, इस साल 40% हो गया, यानी कि प्रॉफिट का रेशियो हमने बढ़ा दिया। लेकिन हाँ, पिछले साल मेरी सेल थी 3 करोड़ की, इस साल सेल घट करके हो गई 2 करोड़। तो हम वहाँ पर भी ये रेशियो निकाल सकते हैं कि कितने से हमारी सेल ड्रॉप हुई और क्यों हुई और प्रॉफिट क्यों बढ़ा, वो रीजंस क्या हैं। सामान कम बनेगा तो कम कॉस्ट भी आएगी, हो सकता है कहीं मैंने सेविंग कर ली हो, चलो वो बात की बात है। इज इट क्लियर? तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड समझ में आया सर? एक और रेशियो निकाल लिया आपने, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये आप बता सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन सेल्स इनटू 100। हाँ या ना? यानी अगर ये 40% है तो इसका रेशियो सेल्स पर कितना आएगा? 60 आएगा। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ या ना? ये भी बन गया एक रेशियो फॉर्मूला, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर हमसे कोई पूछता है ऑफिस एक्सपेंसेस का रेशियो बताओ, सर ये भी क्या बात होती है, ऑफिस एक्सपेंसेस का भी कोई रेशियो होता है क्या? हाँ, जैसे नेट प्रॉफिट का रेशियो होता है वैसे ही ऑफिस एक्सपेंसेस का रेशियो होता है। अरे ये तो बताओ कि जीपी अगर तुम्हारा 40 आया है तो 100 पर ऑफिस एक्सपेंसेस 2 है, 100 पर एडमिनिस्ट्रेटिव 1 है, बाकी सब खर्चे 5 हैं, डेप्रिसिएशन 2 के बराबर है। मेरी बात समझना, 100 पर हम कंपैरिजन करना स्टार्ट कर रहे हैं कि आखिर 100 रुपए की सेल पर कौन सा खर्चा कितना है, और अल्टीमेटली मेरे पास बच रहा है 8। तो हम कह सकते हैं एनपी रेशियो इज 8, एनपी रेशियो इज 8 और कॉस्ट रेशियो इज 92। कॉस्ट रेशियो इज कौन सा कॉस्ट रेशियो? सारा कॉस्ट। 60 इधर है तो 32 इधर होगा। अब बात समझ में आई? 60 अगर इधर कॉस्ट है तो 32 इधर होगा, तभी तो 8 आया। इज इट क्लियर? हाँ या ना? खुद चीजों को अब हम ड्रॉ कर सकते हैं। कौन सा रेशियो चाहते हो? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस रेशियो, जरा बताना क्या फॉर्मूला बनेगा। हाँ बोलो। हाँ आ रहा है तुमको, निकल रहा है, बोलो। हाँ बोलो, पीछे सबसे लास्ट। अरे मैंने कोई जादू थोड़ी बोला है, मैंने तो नॉर्मल रेशियो की बात की, अभी तो समझाया। अरे तो बात खत्म हो गई, इतना बोलने में क्यों इतना टाइम? अरे ये सब सेल्स पर ही तो अभी अभी बताया, सेल्स पर 2% है तो इसका मतलब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस काउंट डेबिट टू सेल्स इनटू 100, एट ऑफिस एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स टू 100,
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स 200, डेप्रिसिएशन अपॉन सेल्स 200, निकालते जाओ ना, जो रेशियो पूछा निकालने में क्या दिक्कत आ रही है तुमको, क्या दिक्कत है? अब क्लियर है? हाँ या ना? तो अब किसी भी तरह का हम लोग रेशियो यहां पर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने सेल्स को कितना मान लिया, 100। ठीक, इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। है एक रेशियो तुम लोग देखोगे, करंट रेशियो। करंट रेशियो आज तक तुम लोगों ने कई बार यूज किया है, सर करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अरे बोल ना, ये अभी तुम लोगों ने बोला ना, लिक्विड रेशियो था, लिक्विडिटी मेजरमेंट करने के लिए रेशियो यूज किया जाता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब कि आपके पास कितना कैश मौजूद रहता है, मींस नॉट ओनली इन फॉर्म ऑफ कैश बट इन अदर फॉर्म्स टू, विच कैन बी कन्वर्टेड इन टू कैश एज एंड वेन यू वॉन्ट टू गेट इट कन्वर्टेड। जब भी आप इसको कन्वर्ट करना चाहें, आप किसी चीज को कन्वर्ट कर लें, इट मीन्स आपके पास लिक्विड है। लिक्विड का मतलब कैश है, भले कैश के फॉर्म में जेब में ना हो, लेकिन सामान है जिसको हम तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट करवा सकते हैं, दैट इज नोन एज लिक्विड एसेट्स। कौन सी एसेट्स? लिक्विड एसेट्स। हम यहां पर बात कर रहे हैं करंट एसेट्स की। कौन सी बात कर रहे हैं? करंट एसेट। करंट एसेट का मतलब होता है करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में वो एसेट्स आएंगी जिसको हम जब चाहें कैश में कन्वर्ट करवा ले फिलहाल। क्लियर है? या वो एसेट्स जिनको हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करवा सके, दैट इज नोन एज करंट एसेट्स। वो एसेट्स जिनको हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करवा ले, उसको हम कहेंगे करंट एसेट्स। और करंट एसेट का वो हिस्सा जिसको हम तुरंत कैश में कन्वर्ट करवा सकें बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, वो कहलाता है क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स या एसिड टेस्ट एसेट। इज इट क्लियर? फिर से मैं बोलता हूं, अगर हम किसी एसेट्स को एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करवा सकें, या जिनकी वैल्यू है हमारे हाथ में एक साल के अंदर, जिनकी वैल्यू हमें रिसीव होनी है, दैट इज नोन एज करंट एसेट। जिनकी लाइफ एक साल से अधिक की नहीं है, ठीक, जिनका बेनिफिट हमें एक साल के अंदर मिलेगा, दैट इज नोन एज करंट एसेट। और करंट एसेट का वो हिस्सा जिसको हम जब चाहें कैश में कन्वर्ट करवा सकें, उसको हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं लिक्विड एसेट्स। इज इट क्लियर? तो करंट एसेट कौन कौन सी हैं? सर एक साल के अंदर वाली तो सर स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, कैश एंड बैंक हो गया, प्लस प्रीपेड हो गया। और सर करंट लायबिलिटी भी इसी तरह से, हाँ जी, करंट लायबिलिटी जिनको हमें एक साल के अंदर पे ऑफ करना है, तो क्रेडिटर्स हो गए प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। हाँ या ना? दीज आर योर करंट लायबिलिटीज। अगर BR होता, बिल रिसीवेबल, तो वो भी हमारा यहाँ का हिस्सा बनता, और BP होता अगर यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पर करंट लायबिलिटी का हिस्सा बनता। हाँ या ना? ये समझ में आई बात? किसी को कोई दिक्कत? तो अगर हम बोलें स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक, BR एंड प्लस प्रीपेड, बोल सकते हो? डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स, बैंक OD, अगर बैंक ऊपर है तो उसका ओवरड्राफ्ट यहाँ होगा, BP एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बोलते क्यों नहीं? ये हमारी करंट लायबिलिटीज हो गई, ये हमारी करंट लायबिलिटीज हो गई। नहीं समझ में आई बात? सिंपल है, नहीं समझ में आया ना? करंट रेशियो के बाद हमसे पूछा जाता है क्विक रेशियो। आए थे तो उस समय बताया था ना, और अभी अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया, क्विक का मतलब क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश। क्विक का मतलब क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश, यानी जिसको हम लिक्विड के फॉर्म में जब चाहें उसे कन्वर्ट करवा लें। इसे कभी कभी हम लोग लिक्विड रेशियो के नाम से भी जानते हैं। किस रेशियो से? और कभी कभी इसे हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जानते हैं। पक्की बात है? क्या है ये एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो? क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी,
क्विक एसेट अपॉन, तुम लोग रट्टा मार करके आए हो, या जब पढ़े थे तो ढंग से रट्टा मारा था, आज वही मुंह से निकल रहा है। ये कौन बोला है करंट लायबिलिटी, किसने बोला? अच्छा नहीं बोला, ठीक, गलत बोलते हो तुम लोग। क्विक लायबिलिटी समझ लोगे अगर एक बार क्या फर्क है क्विक लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। क्विक एसेट कौन कौन सी है, मैंने अब भी तुम लोगों को बताया वो एसेट्स जिसको हम लोग क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकें। क्या तुम बीआर को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो? जी हाँ सर। स्टॉक को तुरंत कन्वर्ट कर सकते हो? ये तो तब होगा जब सेल होगा, और सेल भी अभी उधार में होगा, और जब सेल उधार होगा उसके बाद भी टाइम लगेगा। जो सामान बिक चुका है दैट कैन बी कन्वर्टेड इन टू कैश, द स्टॉक विच यू होल्ड माइट बी गेट कन्वर्टेड इन टू कैश क्विकली, और माइट बी इट्स अ स्लो मूविंग आइटम। हो सकता है ये स्लो मूविंग आइटम हो सकता है फास्ट मूविंग हो, बट इट टेक्स टाइम टू गेट इट कन्वर्टेड इन टू कैश। तो ठीक है, हम लोग स्टॉक को नहीं कंसिडर करेंगे, हम बी आर को कंसीडर करेंगे, हम डेटर्स को कंसीडर करेंगे क्विकली कन्वर्टेबल में। कैश तो मेरा ऑलरेडी कन्वर्टेड है ही है, बैंक तो मेरा ऑलरेडी कन्वर्टेड है ही है, प्रीपेड को भी हम क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैंने तुमको एडवांस सैलरी दी तो क्या तुम मुझे सैलरी वापस करोगे? क्या बोलोगे? नहीं दूंगा। नहीं बेटा, अगले महीने सर काम कर दूंगा आपका। क्या बोलोगे? सर अगले महीने काम कर दूंगा, कैश की उम्मीद मत पालना। नहीं दूंगा, दौड़ा देंगे। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात। एडवांस सैलरी कभी भी कैश में कन्वर्ट कैसे हो सकती है? मैं एम्प्लॉय से थोड़ी बोलेंगे, लाओ क्या सैलरी पिछले महीने 2000 ज़्यादा ली थी ना दो। अरे सर एडजस्ट कर लेना ना अगले महीने। क्या वापस मिलेगी कभी? वो कभी क्विकली कन्वर्टेबल या कन्वर्टेबल तो होती नहीं, तो मारो गोली। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? नीचे की बात करते हैं क्विक लायबिलिटी की। क्रेडिटर्स, जिस तरह डेटर्स को से हम पैसा ले सकते हैं उस तरह क्रेडिटर्स अपना पैसा मांग सकते हैं। जिस तरह बीआर का पैसा हम ले सकते हैं उसी तरह बीपी का पैसा हमें देना पड़ सकता है। जिस तरह कैश ऊपर है बैंक ऊपर है तो बैंक ओडी नीचे रहेगा नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो कुछ शर्तों के आधार पे लेते हैं। ऐसा थोड़ी कि कल बैंक वाला कहेगा पैसा ला तो ले लो। अरे भैया तुम्हारे साथ जो डील हुई है उसी के हिसाब से काम करेंगे ना। और बैंक ओवरड्राफ्ट तो ऐसी चीज़ होती है ट्रांजैक्शन के बेसिस पर होता है। पैसे की जरूरत पड़ी, मेरे खाते में ओवरड्राफ्ट हो गया, 10,000 की जगह -20,000 हो गया, और जब पैसा आएगा तो चला जाएगा। तुरंत डिमांड नहीं कर सकता बैंक, हाँ तुम इंटरेस्ट चार्ज करते जाओ हमें उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन तुरंत कहो कैश जमा कर दो, उसके लिए मैंने थोड़ी बैंक ओडी करवाया है। इज इट क्लियर? तो अब समझ में आया बैंक ओडी क्यों नहीं आएगा। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जी सर, जिनकी सैलरी बाकी है ये कहेगा साहब आपने पिछले महीने की 2000 सैलरी नहीं दी, दे दीजिए, ये कन्वर्ट करवा लेगा कैश में। नहीं, हाँ या ना? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये हमारी जेब से जा सकते हैं। देखो ना, प्रीपेड ऊपर नहीं आया लेकिन आउटस्टैंडिंग हमारा कैश में जा सकता है। प्रीपेड कभी कैश में नहीं आएगा वापस, लेकिन आउटस्टैंडिंग जा सकता है, जाएगा ही। और ओवरड्राफ्ट की बात करें तो ओवरड्राफ्ट इसलिए कंसीडर नहीं किया गया क्योंकि बैंक के साथ कुछ शर्तों पर हमने ओवरड्राफ्ट लिया था, और बैंक हमारे ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, हमको मजबूर नहीं कर सकता कि पैसा ले आओ। अब सब सही है। इसको कहीं कहीं शॉर्टकट में यूज़ किया गया है। क्या लिखा गया है? करेंट एसेट माइनस स्टॉक। क्या लिखा गया है? देखो ना, सारी चीजें आ गई। बी आर, डेटर्स, कैश, बैंक, हाँ या ना? क्या नहीं आया? बी स्टॉक और प्रीपेड। वैसे नॉर्मली किताबों ने ऐसे ही लिख दिया स्टॉक, तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि स्टॉक के साथ साथ अगर प्रीपेड होगा तो वो भी हटाएंगे। बुक्स ने एक और चीज लिखी है, करंट लायबिलिटी। अरे करंट लायबिलिटी काय का करंट लायबिलिटी कोई डिफरेंस नहीं। लिक्विड बताओ, ये बताओ करंट लायबिलिटी क्या करोगे माइनस? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या माइनस करोगे? उसके अलावा कुछ है क्या?
तो बुक्स तो यहां पर सही हैं, ओडी माइनस करते हैं, लेकिन स्टॉक के साथ साथ उनको प्रीपेड भी माइनस करना चाहिए। इज इट क्लियर? पक्की बात है? अब याद रहेगा क्यों? कि भूल जाओगे घर जाते थे। नोट करो, नोट करो तुरंत। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर एक्रूड और अनएक्रूड एक बात बताओ, क्या एक्रूड इनकम मिलेगी ना? तो आप लिख लेंगे अनएक्रूड इनकम लाइबिलिटी होती है। अनएक्रूड इनकम कभी दिखाए हो? कभी बुक्स में आती है अनएक्रूड इनकम? बेटा एक कंसेप्ट है, तुमने क्या किया था भूल जाओ। एक कंसेप्ट है प्रूडेंस कंसेप्ट, टू मेक ऑल द प्रोविजंस फॉर एक्सपेक्टेड लॉसेस बट डोंट ट्राई टू एक्सपेक्ट फॉर एनी फ्यूचर प्रॉफिट और गेन। जो चीज़ एक्रूड नहीं हुई उसको इनकम कैसे मान लोगे? जो चीज़ इस पीरियड से बिलोंग नहीं करती उसको कैसे इनकम मान लोगे? ठीक है ना? जब वो जिस पीरियड में आएगी हम उस साल उसको मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से देखेंगे। तो जहां तक एक्रूड इनकम की बात है, यू कैन कंसीडर इट अंडर द लिक्विड एसेट्स। क्लियर हुआ? हटा दें। अच्छा जी, हाँ तुम क्या बोल रही थी? पूछ लो, पूछ। क्या बताया था मैंने? पूछो। बता दिया तब ठीक। तो करंट रेशियो हो गया, कौन सा रेशियो? जीपी रेशियो हम लोगों ने देख लिया, एनपी रेशियो देख लिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देख लिया, हाँ करंट रेशियो देख लिया, क्विक रेशियो देख लिया। अब हम जो देखने जा रहे हैं ये सारे खत्म। वर्किंग कैपिटल भी हो गया तुम लोग का। वर्किंग कैपिटल का मतलब तुम लोग अच्छी तरह जानते हो, करंट एसेट्स माइनस, तो इसको बताने की जरूरत नहीं। इज इट क्लियर? सुनना, अब हम कुछ टर्नओवर रेशियोज बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? टर्नओवर रेशियोज। हाँ पहले हमने एक दो रेशियोज के बारे में डिस्कशन किया है, जब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डेटर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे थे या कॉस्टिंग में मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उस समय मैंने एक दो रेशियोज का डिस्कशन किया था। लेकिन मैंने कहा था इधर समझ लो, जैसा मैं लिखवा रहा हूँ फॉर्मूला, जब हम लोग रेशियो एनालिसिस की स्टडी करेंगे तो उस समय हम लोग को अच्छी तरह पता चलेगा कि कैसे कैलकुलेट होता है, क्या तरीका है। फिलहाल डेटर्स मैनेजमेंट में डेटर्स टर्नओवर रेशियो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया था, लेकिन फिर से आज समझाऊंगा। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इसका एक और नाम है डेटर्स वेलोसिटी रेशियो, और इसका एक और नाम है डेटर्स कलेक्शन पीरियड, एक और नाम है एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है ना? क्या है ये कलेक्शन पीरियड्स या डेटर्स टर्नओवर रेशियोस? इसी तरह आप क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स वेलोसिटी रेशियो, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड आप बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? दूसरा रेशियो जो हम लोग को देखना है
क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, कौन सा रेशियो? इसके अलावा जो हमें रेशियो देखना है टर्नओवर का, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कई बार सुना होगा तुम लोगों ने, और जब हम लोगों ने मटेरियल कॉस्ट की स्टडी की थी तो उस समय हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन इस पर सॉल्व भी किए थे स्टॉक टर्नओवर रेशियो पर। एक और रेशियो है एसेट टर्नओवर रेशियो, कौन सा? और देखो ना, ये सारे रेशियो किस पर डिपेंड हैं? और टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। दिमाग से आज से ये निकाल देना, दिमाग से आज से ये निकाल देना, क्योंकि टर्नओवर का मतलब टोटल सेल्स भी होता है, टर्नओवर का मतलब क्रेडिट सेल्स भी होता है, टर्नओवर का मतलब, हाँ बोल, टर्नओवर का मतलब, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसके बाद तुम लोग हक्के, क्रेडिट परचेज भी होता है, पहली बार सुना ना? हाँ जी। और टर्नओवर का मतलब एक और होता है जिसको सुनने के बाद तुम लोग की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। टर्नओवर का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर आप ब्याज बहकी बात भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ये सही है। टर्नओवर का मतलब कभी हम लोग टोटल सेल्स के फॉर्म में लेंगे, टर्नओवर का मतलब हम लोग कभी क्रेडिट सेल्स के फॉर्म में लेंगे, टर्नओवर का मतलब कभी, टर्नओवर मींस व्हाट? क्या तुम लोगों ने लेबर टर्नओवर रेशियो नहीं पढ़ा था लेबर कॉस्टिंग में? लेबर कॉस्टिंग में क्या लेबर, तो वहां टर्नओवर का मतलब क्या सेल था? आपका आना और आपका जाना, दोनों का टोटल, यही तो था लेबर टर्नओवर। देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वॉज टर्नओवर, लेबर का आना और लेबर का, वो भी टर्नओवर था। उस समय तो किसी ने नहीं बोला था सर टर्नओवर का मतलब केवल सेल होता है, उस समय भी मैंने बताया था टर्नओवर का मतलब हम लोग अलग अलग केस में अलग अलग देखेंगे, तो एक पांचवा वो भी केस है। तो टर्नओवर का मतलब रेस्ट्रिक्ट मत रखो, टर्नओवर मींस व्हाट? टर्नओवर हर जगह अपना चेंज होता रहता है, इज इट क्लियर? ये हटा दूं? सबसे पहले हम बात करेंगे डेटर्स टर्नओवर रेशियो की। सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम बताने जा रहे हैं, कंसेप्ट आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर रट्टा मारने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। टर्नओवर का मतलब जब डेटर्स के रेफरेंस में लिया जाता है तो केवल क्रेडिट सेल्स होता है। डेटर्स कहां से जनरेट होते हैं? तो टर्नओवर का मतलब क्रेडिट सेल्स। और एक बात बताओ, क्रेडिट सेल्स साल के शुरू में होती है या अंत में होती है? कभी भी क्रेडिट सेल्स महीने के शुरू में होती है या महीने के अंत में होती है? कभी भी, कैसे भी, साल भर में थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है। तो बताओ इस क्रेडिट सेल्स का डेटर्स क्या होगा? यानी साल भर अगर सेल चली है शुरू में अंत में, तो डेटर्स जो होंगे वो एवरेज डेटर्स होंगे। और बेसिकली डेटर्स का मतलब यहां रिसीवेबल से है। रिसीवेबल्स का मतलब, इसको हम रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बोले तो ज्यादा अच्छी बात है। और रिसीवेबल्स का मतलब होता है डेटर्स प्लस बीआर। अब बात समझ में आई? अच्छा, क्या बताना चाहता है ये डेटर्स टर्नओवर रेशियो? क्या बताना चाहता है ये डेटर्स टर्नओवर रेशियो? ये बताता है कि अगर आपने साल भर में 12 लाख की सेल की है, कितने की? 12 लाख की सेल की है क्रेडिट, और 2 लाख रुपए आपके फंसे पड़े हुए हैं मार्केट में, जिनसे उधार पैसा लेना है, जिनको मैंने माल बेचा है, तो बता सकते हो मैंने कितने महीने का उधार माल बेचा?
2 महीने का। 1 महीने में 1 लाख की सेल होती है तो 2 महीने में 2 लाख की सेल होती है, और 2 लाख रुपए के बराबर का पैसा मेरा फंसा हुआ है। इसका मतलब मैंने 2 महीने से पैसा नहीं लिया, इसका मतलब मैंने 2 महीने के जितनी सेल्स की हैं उनसे पैसा, अरे बोलो ना, नहीं समझ में आई। या ये कह सकते हो कि मेरे बिजनेस की पॉलिसी है कि 2 महीने के डेटर्स का सामान उधार रखना, मींस उधार माल बेचना मेरी आदत है। 2 महीने की क्रेडिट पीरियड देना, क्या देना? 2 महीने की क्रेडिट पीरियड देना, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड जनवरी, अच्छा दिसंबर। अगर मैंने एक एक एक, कई लोग कहेंगे सर समझ में आ गया, आगे बढ़िए, हमें मालूम में नहीं आया। ये 12 लाख की सेल हो गई, ये पैसा मुझे कब मिलेगा अगर मैंने 2 महीने का उधार माल बेचा है तो? मार्च में। इसका मतलब जनवरी का पैसा मुझे कब मिला है? मार्च में। अब बताओ जनवरी के एंड में कितना रुपया फंसा था, फरवरी के एंड में 2, एक पिछला एक ये तो 2, अच्छा इधर कितना फंसा? 2, 2 पहले से फंसा था, एक और फंस गया, हो गया 3, 3 में से एक जनवरी वाला मिल गया तो बचा कितना? फिर इधर कौन सा पैसा मिलेगा? तो 2 पहले से फंसा था, एक और फंस गया, कितना हो गया? 3, एक मिल गया फरवरी वाला तो कितना फंसा? 2, ठीक है ना? नहीं समझे? ये हमेशा कितना आएगा? अगर मैं 3 महीने की क्रेडिट पीरियड पर पैसा दूं, कितने महीने? तो कितना पैसा फंस जाएगा? कितना पैसा फंस जाएगा अगर मैं 3 महीने की क्रेडिट पीरियड पर पैसा दूं तो कितना रुपया फंसेगा? अब कहोगे तुम लोग 3 लाख, सही में करें? 3 आएगा? तालियां बजाओ बच्चे के लिए, कितना आएगा? मार खायो, ताली बजाना शुरू कर दी, मैंने बोला सही है, बोल रहा है 4 आएगा। हद होती, क्या होती है? देखो इधर, अब इधर क्या हमको मार्च का पैसा मिलेगा? नहीं, तो कितना उधार फंस गया? 3। अब इधर कौन सा पैसा मिलेगा? जनवरी वाला, 3 महीने बाद, तो 3 और 1 4 में से एक गया 3, फिर 3 और 1 में से 4, 4 में से एक गया, जब देखोगे, ठीक है ना, 4 आएगा, ठीक, समझ में आई बात? नहीं आई, नहीं आई। इसे कहते हैं हॉप हिप हॉप, हाँ इसे क्या कहेंगे? अरे बोल ना, आ रही है? नहीं, बात समझ में हवा आ रही है कि हवा आ रही है? हवा आ रही है। कैसे निकला ये 2 महीना? आपने कहा 2 लैक्स डिवाइडेड बाई 12 लैक्स, हाँ या ना, इंटू 12 महीनों में निकाला है ना, कि परसेंटेज में निकाला है? जब महीनों में निकालते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब डेज में निकालेंगे तो 365 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे। खुश नहीं? तो देखो ना, कितना आया? 2 महीना। कितना आया? नहीं आया कि 12 में कितना फंसा हुआ है, तो 12 महीने में कितने महीने का फंसा हुआ है? नहीं समझे? इसको फार्मूले में लिखो, 2 लाख क्या है? डेटर्स फंसा हुआ है, तो हम लिखेंगे एवरेज रिसीवेबल्स, क्या लिखेंगे? एवरेज डिवाइडेड बाई 12 लैक्स, क्या है सर? टोटल सेल्स, मार खाओगे, क्रेडिट सेल्स। डेटर्स किस पर निकलता है? अच्छा 12 मंथ्स हो गया, अगर डेज में होता तो
लिखना मत, अभी लिखना मत। समझ में आई बात? इसको मिटका सकते हैं पूरा। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो में टर्नओवर का मतलब क्रेडिट सेल्स, और इसका जो काउंटर पार्ट होगा वो हमेशा एवरेज होगा, और एवरेज रिसीवेबल्स की बात कर रहे हैं। रिसीवेबल्स का मतलब डेटर्स प्लस बीआर की बात हो रही है, हाँ या ना? जरा इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। ये दो तरीकों से कैलकुलेट होता है, एक इन मंथ्स और डेज, इन मंथ्स और दूसरा निकलता है इन टाइम्स। सर बात नहीं समझ में आई, इसको बाद में देखते हैं, पहले ये देख लें जो अभी अभी हम लोगों ने देखा। एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 12 मंथ्स और 360, तो ये जो भी आंसर आएगा वो या तो डेज में होगा या तो मंथ्स में होगा। इज इट क्लियर ना? आगे चलें। अरे बोल, इधर चलें। मैं अगर इसको ऐसे बोलूं, कैसे बोलूं देखो इधर, अगर मैं ऐसे बोलूं कि हमारा जो डेटर्स होता है 12 लाख रुपए की सेल का 2 लाख होता है, मैं ये बोल सकता हूं ना, ये 1/6 होता है हमेशा। हाँ ऐसे भी बोल सकता हूं, 1/6 ऑफ द टोटल सेल इज ब्लॉक्ड, 1/6 यानी 1/6 हिस्सा, यानी 1/6 टाइम्स। या ये बोल सकते हो मेरी टोटल सेल उतनी होती है, कितनी होती है? 6 टाइम होती है। किसकी 6 टाइम होती है? डेटर्स की 6 टाइम्स होती है, यानी 2 × 6 = 12। 1/6 टाइम मेरा ब्लॉक रहता है, ऐसे बोल सकते हो टोटल सेल का 1/6 ब्लॉक रहता है, या जितना डेटर हो उसका 6 टाइम हमारा टोटल सेल होता है। बात तो वही हुई, बोल सकते हो ना? यानी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? टाइम्स में। किस में कन्वर्ट कर दिया? टाइम्स में। जरा ढंग से देखना, यानी अगर इन डेज को हम टाइम्स में कन्वर्ट करें तो हम कहेंगे 2 महीने की सेल, इसका रिजल्ट कितना आया? 2 महीना। इसका रिजल्ट कितना आया, तो महीने में या डेज में? 2 महीना आया, आया था ना 2 महीना। कितने महीनों में? 12 महीनों में। बताओ कितने टाइम्स सेल है इसकी? 6 टाइम्स सेल है मेरी, 12 महीने डिवाइडेड बाई यानी 6 टाइम्स। नहीं, खुजली करने का मतलब नहीं समझ में आया। जितना डेटर्स में पैसा फंसा रहता है, कितना डेटर्स में पैसा फंसा रहता है उसका कितना टाइम्स है सेल्स, तो टोटल सेल्स कितनी आ गई, ऐसे बोल सकते हो ना? चलो इतनी सेल मेरी फंसी हुई है, मतलब इतना सेल मैंने किया और इतनी सेल फंस चुकी है, यानी जिसको हम कहते हैं रिसीवेबल्स। बताओ कितने टाइम्स हैं? 12 लाख की सेल है और 2 लाख का हमारा रिसीवेबल है, बोल सकते हो ना 6 टाइम्स, हाँ या ना? देखो ना इसका जस्ट अपोजिट कर दिया, हाँ या ना? समझ में आया? किसको और थोड़ा एलोबरेट करें, नोट कर लो तो फिर आगे बढ़े, इसको फिर बताएं।
अगर हम कहीं कहीं देखें तो टाइम्स को हम लोग ऐसे सुनते हैं, देखो ना, सिक्स टाइम ऐसे, सेवन टाइम्स, नहीं समझे? यानी 7 बार मल्टीप्लाई करो, 6 बार, तो जितना यहां आया है कितना आया है? 2 टाइम्स, 6 टाइम, 5 टाइम्स, यानी हमारी टोटल सेल उतनी गुना है, हमारा टोटल सेल्स उतना मल्टीप्लाइड। इज इट क्लियर? फिर बढ़े आगे, टाइम्स में दिक्कत हो तो कहो, तो फिर एक तरह से बताएं, है? मैं ये कहूं 2 महीना, तो ये कितना टाइम्स होता है साल भर में? सुनना, एक बार सेल होगी 2 महीने में मेरे पास पैसा वापस आ जाएगा। एक बार सेल हुई उधार, 2 महीने में पैसा वापस। फिर सेल हुई कितने महीने में वापस? फिर सेल हुई कितने महीने में वापस? फिर सेल हुई कितने महीने में वापस? अरे बोलते जाओ, फिर सेल हुई कितने महीने में वापस? फिर सेल होगी कितने महीने में वापस? कितना बार साल भर में? 12 महीने से अधिक होते हैं तुम्हारे, रुक भी तो जाओ। सर हो गया साल आपका खत्म, अब बताओ वो दो दो महीने का कितना बार मैंने माल बेचा? अगर मैंने शुरू के 2 महीने में 2 लाख का माल बेचा था, 1-1 लाख का, तो यहां भी कितना कितना हो गया साल भर का? 12 लाख। कह सकते हो ना कि 2 महीना का 6 टाइम साल भर की सेल होती है, क्रेडिट सेल्स। इज इट क्लियर? अब समझ में आया? यानी वो कितनी बार, कितने टाइम्स चक्का घूमेगा, पहिया घूमेगा, वो बताना है। अगर एक बार का पहिया 2 बार गया 2 महीने के बराबर है, तो साल भर में वो 6 बार चक्कर काटेगा, और एक बार चक्कर काटने की कीमत अगर 2 लाख की सेल है, तो 6 बार के चक्कर काटने की कीमत यानी क्रेडिट सेल्स मेरी 12 लाख होगी। अब समझ में आ गया होगा? हटा दूं, इसका आंसर आता है टाइम्स में। अच्छा सुनो, दूसरा रेशियो है मेरा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। ऐसे मत लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, बिल्कुल नए फ्रेश तरीके से लिखना, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। जगह कम है, इधर देखना, क्रेडिटर्स यानी एवरेज पेबल्स, हाँ या ना, एवरेज, और पेबल्स में आ जाएंगे आपके क्रेडिटर्स प्लस डीपी। टर्नओवर, क्रेडिटर्स किस पर डिपेंड करता है? सर क्रेडिट परचेस। तो टर्नओवर का मतलब यहां क्या हो जाएगा? आ गया ना, आ गया ना, अब तक ये देख रहे थे अब। तो टर्नओवर का मतलब क्रेडिटर्स के रेफरेंस में क्रेडिट परचेस होगा, टर्नओवर का मतलब परचेजेस के रेफरेंस में या क्रेडिटर्स के रेफरेंस में क्रेडिट परचेस होगा। तो सर इसका भी हिसाब किताब ऐसे ही होगा? जी सर, इसका भी हिसाब किताब ऐसे ही होगा, जहाँ क्रेडिट सेल्स है वहाँ क्रेडिट परचेज, जहाँ एवरेज रिसीवेबल्स है वहाँ एवरेज पेबल्स। बात समझ में आई? कहीं कोई फर्क नहीं है। दिस इज योर आंसर। तुम लोग बिल्कुल नया बनाओगे उसको,